आप देख रहे हैं पीपीए 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा कानपुर बिहार से चलकर कानपुर नगर ग्रामीण आगमन पर किसान नगर में स्वागत किया गया। सचिंडी में रथ यात्रा पहुंचने पर जिला संगठन के सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मंच पर पूर्व पार्षद एवं विदनु ब्लॉक की प्रधान संघ की अध्यक्ष काजल किरण ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी को चांदी का मुकुट पहनाकर प्रतीक चिन्ह चाबी सप्रेम भेंट किया। वहीं जिला अध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति ने स्वागत के साथ 1,11,000 रुपए नगद देकर राष्ट्रीय दल शिवपाल सिंह यादव जी को सम्मानित किया एवं जिला संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर 21,000 रुपए की थैली भेंट की। जिला संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति ने दूर दूर से आए हुए बिठूर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, जिससे हर व्यक्ति का व्यक्ति किसान मजदूर व्यापारी असहाय परेशान है। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, किसानों का उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, आवागमन की सड़कें टूटकर गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। ऐसी स्थिति में बदलाव आवश्यक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना कोई सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। प्रसपा की सरकार बनने पर हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा।